Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar, Desh ki 10 badi khabron mein aapka bahut bahut swagat hai. Main Lokan Ansari aapke saath. Kongres sansad Santokh Singh ka nidhan, Bharat Jodo yatra ke dauran aaya tha heart attack. सांसद के निधन के बाद कांग्रेस ने रोकी भारत जोड़ो यात्रा. कांग्रेस नेता विजयेंद्र सिंगला ने कहा कि आज हमने भारत जोड़ो यात्रा बंद कर दी है, आगे जो भी होगा एआईसीसी बताएगा. पीएम मोदी के मुरीद हुए सुरीनाम के राष्ट्रपति, कहा पूरी दुनिया में होने चाहिए ऐसे नेता. टीवी एंकर्स पर डिबेट के दौरान हेट स्पीच देने को लेकर कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर एससी जस्टिस जोसेफ ने सुनवाई करते हुए हेट स्पीच देने वाले एंकरों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया है. कोर्ट ने यह भी पूछा है कि ऐसे कितने एंकरों पर कार्रवाई की गई है और चैनल से सवाल किया है कि कितनी बार किसी एंकर को ऑफियर किया गया है. एलन मस्क के गले की हड्डी बना 4.5 साल पुराना ट्वीट, अब चलेगा फ्रॉड का मुकदमा. दुनिया के सबसे अमीर होने का खिताब चले जाने के बाद एलन मस्क ने एक साल में 180 बिलियन डॉलर से ज्यादा नेटवर्थ गवाए हैं और अब 2018 में किया गया फोर्स ट्वीट जिन की तरह बाहर आया है, फिर चलेगा फ्रॉड का मुकदमा. राखी सावंत के बॉयफ्रेंड आदिल खान पर यह इल्जाम लग रहा था कि उन्होंने राखी संग शादी की बात से इनकार कर दिया है, लेकिन अब ताजा अपडेट के मुताबिक आदिल ने राखी संग शादी को कबूल कर लिया है. आदिल ने अपनी शादी की खबर को सही बताते हुए कहा कि उन्होंने राखी के साथ शादी की है और उनके साथ बहुत खुश हैं. बिग बॉस 16 का अपकमिंग एपिसोड अब्दुल रोजिक के फैंस के लिए बेहद इमोशनल होने वाला है. बिग बॉस का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अब्दुल रोजिक घर से बाहर आते नजर आए हैं. सार्वजनिक जगहों पर अंग प्रदर्शन करने के मामले में मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद को नोटिस भेजा है. मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में उर्फी को आज पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है. जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग के मकानों में भी दरारें, प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया. दिल्ली पुलिस की जहांगीरपुरी में बड़ी छापेमारी, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद. दिल्ली पुलिस ने भरेसवा डेयरी इलाके में छापेमारी कर 2 लोगों को पकड़ा है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी के दौरान हथियार और 2 हैंड ग्रेनेड बम भी बरामद किए हैं. अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट वाइट टीवी और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. नमस्कार. द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ.